1971 के बाद जब पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना तो उस समय एमएन लर्मा ने अपने लोगों के अधिकार एवं रीजनल ऑटोनोमी का मांग किए। एमएन लर्मा ने बांग्लादेश के प्रारूपित संविधान का विरोध किए क्योंकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ बंगाली संस्कृति को ही प्रधानता बना दी एवं वहां पर रहने वाले सभी आदिवासी समुदाय के संस्कृति को मान्यता नहीं दी। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा एमएन लर्मा के सभी मांगों को खारिज कर दिया एवं मुजीबुर रहमान ने कहा, बांग्लादेश में रहने वाले सभी आदिवासी समुदाय को बंगाली पहचान एवं संस्कृति अपना लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी धमकी दिया, सिटीगांव हिल ट्रक्स में जबरदस्ती वो बंगाली लोगों को बचाएगा एवं वहां के स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक में परिवर्तन करेगा। लेकिन एमएन लर्मा ने अपने लोगों के लड़ाई को जारी रखा। एमएन लर्मा अपने समुदाय एवं अन्य समुदाय की बात को संसद में रखते हुए ये कहा, किसी भी परिभाषा एवं तर्क के तहत चकमा बंगाली नहीं हो सकता या कोई बंगाली चकमा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी पठान को बंगाली नहीं कहा जा सकता और बांग्लादेश में रहने वाले बंगाली को सिंधी या पठान नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश के नागरिक के रूप में हम सभी लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन हम सभी लोगों का अलग जाति पहचान और संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य से अवामी लीग के द्वारा इस बात को किसी ने समझना नहीं चाहा। एमएन लर्मा ने मंत्री पद को अस्वीकार कर दी और साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में हस्तक्षर करने के लिए भी मना कर दी और संसद से इस्तीफा देते हुए ये कहा, यदि मैं अपने लोगों के अधिकार और पहचानों का सुरक्षा नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। 15 फरवरी 1972 में एमएन लर्मा के द्वारा पर्वत सत्याग्रह जन समिति का स्थापना किया गया। वो चाहते थे कि चिट्टीगांव हिल ट्रक्स में रहने वाले सभी आदिवासियों का एक प्रतिनिधि संगठन होना चाहिए। एमएन लर्मा को 1973 में पीसीजेएसएस के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय बांग्लादेश विधायिका संघ के लिए चुना गया। जब अपने लोगों को पहचान एवं अधिकारों को दिलाने में एमएन लर्मा विफल रहे तो उन्होंने शांति वाहिनी का गठन किया और बांग्लादेश आर्मी को आक्रमण करना शुरू कर दिए। बांग्लादेश सरकार एमएन लर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे ताकि उसके आंदोलन को रोक सके। पीसीजेएसएस एवं शांति वाहिनी के प्रमुख होने के नाते एमएन लर्मा को चुप जाना पड़ा। हालांकि पीसीजेएसएस के अंदर आपसी गुटबाजी के कारण एमएन लर्मा के आंदोलन को कमजोर कर दी। कुछ दिनों के बाद 10 नवंबर 1983 में एमएन लर्मा का देहांत हो गया। एमएन लर्मा अपने त्याग और बलिदानों के कारण आज बांग्लादेश के प्रत्येक आदिवासियों के दिल में वो जीवित है। एमएन लर्मा ने जो सपना देखा था वो सपना आज भी अधूरा है। क्या एमएन लर्मा को मानने वाले सभी आदिवासी समुदाय एमएन लर्मा के अधूरा सपना को पूरा करेंगे